हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। गाइस, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टेबल टैग। तो बेसिकली टेबल इज समथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम, और इस रो एंड कॉलम के बीच में आप क्या करते हो, कुछ डाटा फीड करते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो इसको कैसे हम एक HTML के टैग की हेल्प से बना सकते हैं, आज हम उन सब के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक रो कैसे बनाएंगे, एक टेबल कैसे बनाएंगे, और एक डेटा उसमें कैसे फीड अप करेंगे। कुछ हेडिंग देना होगा तो वो हम कैसे देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना एडिटर ओपन करेंगे और उसमें कुछ कोड को राइट डाउन करेंगे, एंड देन उसकी जो आउटपुट है उसको ब्राउजर के ऊपर हम शो करने वाले हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, सो फॉर टेबल टैग आपको सबसे पहले तो अपना HTML का सिंटैक्स जैसे हम पहले लिखते आए हैं वैसे ही लिखना है, और देन हम करेंगे टेबल टैग को स्टार्ट, ठीक है। सो फॉर दैट वी विल राइट द टेबल, एंड टेबल को क्लोज कर देंगे, राइट दिस। ओके, तो अभी आपको एक टेबल बनाने के लिए, ये तो हो गया टेबल का मेन एलिमेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, tr लिखेंगे, tr फॉर द टेबल रो। आपको जितनी रो बनानी है उतनी टाइम आपको tr जो है उसको लिखना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू राइट द td, td इज फॉर द टेबल डेटा, ठीक है। जैसे कि मैंने हम यहाँ पे बना लेते हैं सीरियल नंबर, ओके, और सीरियल नंबर के बाद में जैसे नेम, कंटेक्ट, ऐसे कुछ करके दो तीन कॉलम हम फॉर्म कर लेंगे, ओके। तो इन दो तीन कॉलम्स में क्या करेंगे, जैसे सीरियल नंबर लिखा, अब नेक्स्ट में लिख रही हूँ नेम, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट द कंटेक्ट, ओके, लाइक दिस कंटेक्ट। अभी हम इसके आउटपुट को एक बार चेक कर लेते हैं कैसे दिख रही है। तो आउटपुट कुछ इस तरह से दिख रही है, सीरियल नंबर, नेम, कंटेक्ट, क्योंकि एक टेबल की तरह तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, टेबल को कुछ बॉर्डर दे देंगे, कुछ हाइट विड्थ दे देंगे, जिससे एक प्रॉपर टेबल का जो फॉर्मेशन है वो आ जाएगा। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट डाउन द टेबल टैग के अंदर, बिल्कुल जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसके अंदर आपको लिखना होगा बॉर्डर इन 2, 3, 4, जितना चाहो आप लिख सकते हो। दिस इज जस्ट द विड्थ ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद हम इसको विड्थ और हाइट दे देंगे, एंड दैट वी गिव द हाइट ऑफ द टेबल। हाइट को मैंने 200 पिक्सल, ओके, एंड गिव द विड्थ ऑफ द टेबल लाइक विड्थ इज इक्वल्स टू 600 पिक्सल, ओके। अभी चेक करते हैं, सो यू कैन चेक कि कुछ मेरे पास हाइट एंड विड्थ के अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो सेट हो गए। अब जैसे मैं इसमें कुछ सेट डेटा देते रहेंगे हम, तो हाइट एंड विड्थ के अकॉर्डिंगली वो डेटा अपनी जो स्पेस है वो लेता रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टेबल हेडिंग, ओके। सो हेडिंग पार्ट में क्या रहता है, जैसे कि टी डी इज द डेटा, ठीक है। डाटा में हम यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर 1, नेम, करंट, ठीक है, कंटेक्ट नंबर, रैंडमली नंबर दे देंगे, सो दिस इज जस्ट द कंटेक्ट नंबर, ओके। एंड इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को टेबल हेड बना रहे हैं। सो टेबल हेड बनाने के लिए मैं लिख रही हूँ टी एच क्लोज, th means table head, या table heading, not at head, head तो मतलब top part रहेगा ना, उसके बारे में बात करेंगे, वैसे भी एक टैग है हमारे पास, पर उससे पहले हम इसको कुछ हेडिंग बना लेते हैं। सो टेबल हेडिंग, सो वट आर द हेडिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर, दैट इज द सीरियल नंबर, ओके। इसके बाद मैंने लिखा 1, सीरियल नंबर के बाद था नेम, एंड नेम के बाद मेरे पास था कंटेक्ट, ओके। तो इसको सेव करो, इसको चेक करो, तो आप देख सकते हो जैसे कि हेडिंग वाला पार्ट जो है खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा, खुद उसके एक बोल्ड सा टेक्स्ट हो जाएगा, बाकी का डाटा मेरा जो है नॉर्मल फॉर्म में रहता है, ठीक है। सो इसके बाद मेरे पास है कुछ सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू, ठीक है, सेल स्पेसिंग कितना है, मान लीजिए मैंने 10 पिक्सल का सेल स्पेस दिया, मतलब हर एक सेल में कितना स्पेस रहेगा, एंड सेल पैडिंग मतलब अंदर से कुछ डाटा लेगा, हर एक सेल का जो टेक्स्ट है वो अंदर से कुछ अपना मार्ज कुछ डेटा लेगा, सो उसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। सो सेल पैडिंग में मैंने लिखा 10 पिक्सल ही उसको दे दिया, सो नाउ चेक, सो यू कैन सी कि प्रॉपर जो टेबल का बॉक्सेज है उसमें कुछ स्पेस आ गया और अंदर से भी कुछ स्पेस उसने अपना ले लिया है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टेबल हेड एंड टेबल रो। अब जैसे कि हम इसको थोड़ा सा डेटा को बढ़ाने के लिए कॉपी कर लेंगे, ठीक है, पेस्ट 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 लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल टॉप वाले पार्ट को हेड पार्ट बना रही हूँ, नीचे वाले पार्ट को कुछ फुटर पार्ट बना देंगे। सो उसके लिए मेरे पास है टी हेड, इसके लिए आपको टी हेड लिखना होगा, और जहाँ पे आपकी रो खत्म हो रही है, ठीक है, जहाँ पे आपकी रो एंड हो रही है वहाँ पे आप इसको लिख दोगे टी हेड को क्लोज,
ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करना है, टी फुट, टी फुट क्या मतलब फुटर पार्ट। सो टी फुट वाले को भी हमने स्टार्टिंग में लिखना है टी फुट, एंड टी फुट वाले को अंदर से कर देना है क्लोज, जैसे कि टेबल रो के बाद में जहाँ पे मैं लिखूंगी टेबल फुट क्लोज। ठीक है, इसको सेव करो और चेक करो, तो आप देख सकते हो दिस इज द टेबल हेड एंड नियर टेबल फुट। अब ऐसे इसका जो है सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग की वजह से इतना पता नहीं आ रहा है आपको, है ना, कि कितना कितना डेटा है कितना नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका विड्थ जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। मैंने विड्थ कर दिया 400 और सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को एक टाइम के लिए मैं 0 कर दूंगी। ठीक है, जैसे कि इसको कट कर देते हैं, इसको सेव करो एंड चेक करते हैं। तो नाउ यू कैन क्लियर द डिफरेंस, लाइक दिस इज अ टेबल हेड देन टेबल फुट, और बाकी का जो डेटा है वो अपने आप अपना जो एडजस्टमेंट है वो करते रहेगा, बट हेड एंड फुट पार्ट को अपने अकॉर्डिंगली एक स्पेसिफाइड डेटा जो है वो मिल जाए। ठीक है, इसको हम अगेन से ले लेंगे और एट लास्ट वी हैव द कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ठीक है, सो कॉल स्पैन एंड रो स्पैन के टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए मैंने हेड पार्ट में कुछ रो स्पैनिंग करनी थी। ठीक है, जैसे कि क्या लिखना है, दिस मस्ट बी द स्टूडेंट डेटा। तो स्टूडेंट डेटा के लिए हम लिखेंगे टेबल हेड में एक ही जगह पे। ठीक है, कॉल स्पैन का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जो ऊपर कॉलम है चार वो मर्ज होकर एक बनता है। तो मैंने जहाँ पे लिखना है कॉल स्पैन इक्वल्स टू, इसको आपको कितना नंबर देना है, कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू मतलब जितना भी आपको सेल्स को मर्ज करना है उतना। तो मैंने 3 सेल है मेरे पास, उसको मर्ज करना है, तो मैंने लिख दिया कॉल स्पैन इक्वल्स टू। And here we will write the students data. Okay, इसको save करो, इसको check करो, तो here you can see that student data. तो ऐसे ही हमारे पास जो है रो स्पैन का कंसेप्ट रहेगा। रो स्पैन मतलब कि एक जैसे रो है, दिस इज वन रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ रो। सो टोटल 5 रो को मिला के अगर मैं एक बनाना चाहूँ तो वो भी हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, ओके सो गाइज हमने रो स्पैन के लिए करना है, मैंने बिल्कुल नया टेबल एक फॉर्म किया जिसमें मैंने टेबल लिखा, बॉर्डर दिया, हाइट दी, विड्थ दी, रो दिया एंड देन रो को क्लोज किया। तो रो स्पैन का मतलब क्या है, एक रो को हमने मर्ज करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, टी डी नेम टी एच करंट, ठीक है, देन टेबल रो ओवर, देन टेबल रो में हमने क्या टी एच में रो स्पैन लिख दिया, रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2। तो मार्क्स कर अंदर मैंने रो स्पैन दिया एंड देन टी डी क्लोज कर दिया। तो अब क्या किया हमने, नेक्स्ट टी आर में एक टी डी जो है फिर ए ग्रेड दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको 2 टाइम डेटा नहीं दिया, क्यों, क्योंकि एक टाइम का डाटा तो रोस्पैन में चला गया ना, तो दैट मीन सेकंड टाइम वाला जो टी डी है उसको हमने कोई डेटा अलॉट नहीं करना है, सिर्फ एक टाइम का डेटा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेव कर रहे हैं और इसके आउटपुट को चेक कर रहे हैं। सो हियर यू कैन सी दैट गाइस नेम करण एंड मार्क्स जो है, मार्क्स का 2 रोस्पैन में डेटा जो चला गया है एंड देन उसके अकॉर्डिंग मेरे पास मार्क्स एंड ग्रेड आ गए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल टैग। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टेबल में हम कैसे डाटा फिल करते हैं, कैसे उसको हेडिंग बनाया जाता है, कैसे रो एंड रोस्पैन एंड कॉल स्पैन जो है वो काम करता है। ठीक है जी, सो फॉर मोर टेक्निकल वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज द सम्राट टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।